आपने आज ही प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि आप लोग जो नुकसान हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत आपको वहां से कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। नुकसान हुआ है गैप में थोड़ा प्लीज मुझे अपने सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि अपने सीएम केयर फंड से पर हाउस होल्डर को 10-10 लाख रुपया दिया जाए ताकि मेरी गरीब आवाम कहीं रहने के लायक बने, क्योंकि इनका जो माल मवेशी है समझो वो भी मर चुका है। जब घास ही नहीं मिलेगा तो धंधा कैसे बचेगी, कोई चीज नहीं बची है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन का, जो यहां डीसी साहब, एसएसपी साहब, सारी एसडीएम साहब, जितने मेडिकल टीम, उस दिन से आज तक रात दिन यहां है। जबकि बनता है कि आपसे मुतासर जो घर है, जो खानदान है, पहले तो हमें नए सिरे से आपको बसाना है, 15 शीट्स का इंतजाम करना है, आपके लिए एक मुफ्त राशन का हमें इंतजाम करना होगा ताकि ये सर्दियों के महीनों में आप में से कोई भूख से ना मरे। अब कुछ हमारी हुकूमत बनने से पहले ही ऐलान हो गए थे, कुछ पैसा यहां रिलीफ के तौर पर बांटा गया था। अब एमएलए साहब ने कुछ डिमांडें रखी हैं रिलीफ के तौर पर, मैं फौरी तौर, क्योंकि यहां अलग अलग किस्म का रिलीफ मिलता है, एक तो वजीर आजम साहब का अपना एक फंड होता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, हमने आज ही प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि आप लोग जो नुकसान हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत आपको वहां से कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, उसका भी वहां से मुझे उम्मीद है कि ऐलान होगा। फौरी तौर चीफ मिनिस्टर जो मेरे पास जो रिलीफ फंड है उसमें से मैं 2 लाख रुपए का फौरी तौर ऐलान